हाय गाइस, दिस इज़ जय और मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट टेक के एक और एपिसोड में। यार, इस वीडियो में मैं समझ चुका हूँ कि दुनिया वाले हद पार कर देते हैं। आप लोगों को पता है इतने सारे क्राइम्स होते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के कारण भी। ये जी हाँ यार, मतलब मैं सोचा था इसे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर मुझे लगा नहीं यार, बनानी चाहिए। US कारपेट फिटर 38 ईयर्स के, वो 6000 माइल्स अपने देश छोड़ के गए ब्रिटेन में। आप पढ़ सकते हैं क्या करने 14 ईयर्स गर्ल के साथ। ये यार, ये क्या बात होती है। मतलब आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो, ठीक है, वो आपको सबसे जोड़ता है, वो भी ठीक है, मगर यार ये क्राइम यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। कारपेट फिटर ने एक 14 साल की लड़की से क्लैश ऑफ क्लैंस में बात करनी शुरू करी, उसके बाद वो 6000 मील दूर यार ब्रिटेन गया उस लड़की से मिलने और एक बड़ा बड़ा क्राइम करने वो उसके देश चला गया। तो ये पहला केस है जो क्लैश ऑफ क्लैंस के कारण यहाँ पे सामने आता है, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस उस प्लेटफॉर्म पे वो लड़की मिली थी, अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर ये वेबसाइट गलत है यार। वेबसाइट के हिसाब से ये पहला केस है, नहीं वेबसाइट के हिसाब से ज़रूर पहला केस है, मगर कितनी बार ऐसा होता है कुछ लोग क्लैश ऑफ क्लैंस को एक टारगेट बनाते हैं, वो अच्छे डोनेशन देते हैं, आपके फ्रेंड बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो आपकी फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, हर चीज़ आपसे मांग लेते हैं। वो आपका पासवर्ड किसी कभी नहीं मांगेंगे, मगर वो आपकी डिटेल्स मांग लेंगे। उसके बाद वो जनरली हैकर्स होते हैं, एक बार उनको आईडी मिली वो हैक करके बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है पता है, आपके पासवर्ड्स, बैंक नंबर्स सब मांगने लगते हैं यार। तो यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही ट्रबल में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं ट्रबलिंग इफेक्ट। ट्रबलिंग इफेक्ट जिनको नहीं पता, वो ये होता है कि किसी को अपना दोस्त बना लेना इंटरनेट पे, और फिर उसको बताना कि भाई हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, हम यहाँ पे इनको पैसे की ज़रूरत है। तो यार अगर ऐसा कोई करता है तो ये समझ लिया कोई ट्रबल में होगा ना, तो वो कभी भी क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं खेलेगा। क्लैश ऑफ क्लैंस वो खेल ही नहीं सकता यार, उसके अगर कोई बंदा ट्रबल में है तो वो कैसे क्लैश ऑफ क्लैंस खेल सकता है, आप खुद सोचो ना। वो कहता है कि मुझे पैसे दे दो, और लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, उसको पैसे दे भी देते हैं। यार ये तो मत करो, प्लीज़ मत करना। मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एक केस ऑलरेडी हो चुका है क्लैश ऑफ क्लैंस के कारण, और दूसरा प्लीज़ इंडिया में मत होने देना, क्योंकि इंडियंस, जो हम लोग इंडियंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं इन सब इंटरनेट से, इंटरनेट के लोगों से, क्योंकि हमारा ब्रेन ही कुछ इस तरह होता है कि जो भी हमें सामने, हमारे जो बंदा बैठा नहीं है, हम उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम क्या बताएं यार। तो बस ये एक अपडेट था कि प्लीज़ इंटरनेट पे क्लैश ऑफ क्लैंस में जो लोग ये मर्डरर्स बैठे हुए हैं ना, वो किसी भी तरह का मर्डर करें आप लोगों का, इन लोगों से सावधान रहो, प्लीज़ सावधान रहो। इसके अलावा ये तो हो चुका है, उसके बाद अब पूरी अगर मैं आपको कहानी बताऊँ तो पूरी कहानी ये हुई थी कि आपको मैं अच्छे से बताऊँ तो हुआ क्या था कि जॉन फिटर नाम का एक आदमी था जिससे खुद के दो बच्चे थे, दोनों लड़कियां थी, एक 14 साल की, एक 16 साल की, और उसकी खुद की एज है 38 ईयर्स। तो उसने किया क्या, क्लैश ऑफ क्लैंस में जो प्राइवेट चैट का ऑप्शन होता है, मतलब जो क्लैन चैट होता है, उसमें एक अमेरिकन गर्ल को, यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन किया भी होता तो मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की प्राइवेसी को मैं क्यों को साझा करूँ। तो उसने उस लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया कि चलो तुम मेरे संग भाग जाओ, और वो लड़की मान भी गई। और अमेरिका में तो खैर बच्चे कुछ ज़्यादा ही, मतलब इंडिया में ये चीज़ कम है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है कि जिस बंदे का भी देखा नहीं है, बच्चों के संग भाग जाने को तैयार हो जाते हैं। तो उस जॉन फिटर ने उस लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया, और उसके बाद उस लड़की ने अपने घर में एक नोट छोड़ा जिस पर लिखा था, आई एम गॉन, आई विल बी बैक, आई लव यू, मैं जा रही हूँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगी, आई लव यू। हालांकि वो अच्छी न्यूज़ यह है कि उस लड़की के संग बुरा नहीं हुआ, उससे पहले पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, और उसके बाद उस आदमी को डिपोर्ट कर दिया गया वापस उसके देश में, और वार्निंग के साथ कि उसको अब US आने की वापस परमिशन नहीं दी गई है, ब्रिटेन आने की वापस परमिशन नहीं दी गई है, और इसको ब्रिटेन में 3 महीने की सज़ा हुई, और जब वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा अमेरिका में, तो अमेरिका में उसको जो सेम रूल्स अगर अमेरिका के साथ दिखाया तो 7 महीने की सज़ा है, तो कुल मिलाकर उसको 10 महीने की सज़ा मिल चुकी है। तो ये तो अच्छी बात है, मगर यार मैं तो अभी भी ये बोलूँगा कि प्लीज़ कभी भी इंटरनेट पर अपनी चीज़ें मत डालो, किसी और वेबसाइट पर नहीं, ना ही क्लैश ऑफ क्लैंस में।
So I hope you like this video and thank you.